सो so, एक कॉमेंट है मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा इट्स ऑन द ट्रेलर सो दे आर सेइंग की एंड विद्या इन द सेम मूवी इट्स लाइक सचिन एंड सहवाग ओपनिंग इट्स लाइक सचिन एंड सहवाग ओपनिंग इन फुल अटैकिंग मोड तो इस पे आपका क्या रिएक्शन oh है माय गॉड दैट इज अ वेरी वेरी टॉल ऑर्डर हाय दाली वेलकम टू मिर्ची थैंक यू थैंक यू गौरव कैसे लग रहा है इतने टाइम बाद क्योंकि आपने सब इंटरव्यू जूम कॉल पे दिया बिकॉज ऑफ कोविड एंड इतने टाइम बाद फेस टू फेस इंटरव्यूज कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मजा आ रहा है एक्चुअली ये प्रमोशंस करते हुए जलसा एक अपने आप में एक चैलेंजिंग फिल्म है एंड आप एक माँ का किरदार निभा रहे हो What was that challenging scene जो आपको लगा कि यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट आप ट्रेलर से बताओ वन चैलेंजिंग सीन ऑनेस्टली जलसा बाय एनी वे कोई भी प्रोजेक्ट में करती हूँ आई फाइंड इट चैलेंज आई फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर मी इट्स नॉट री वारेड कि मुझे नहीं आएगा right. लेकिन uh, जलसा इज अ वेरी इंट्रिकेट बहुत नाजुक फिल्म है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी आयरनीस हैं hmm. और uh, uh, वो सब मिलाकर आई I मीन mean, जैसे इंसान नॉर्मली होते हैं दे आर नॉट स्ट्रेट एंड सिंपल यू नो देर आर वेरी मेनी लेयर्स और उसी तरह की फिल्म है उसी तरह की स्क्रिप्ट है और रुखसाना भी उसी तरह का किरदार है सो टू ब्रिंग आउट ऑल ऑफ दैट यू नो सोचना इज अ डिफरेंट थिंग बट टू बी एबल टू ब्रिंग इट आउट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग विथ लिमिटेड वर्ड्स विथ नॉट मेलोड्रामेटिकली so I think all of it has it's not an easy right. film. बट so, uh, yeah. uh, तो yeah. uh, जिस सीन में मैं थप्पड़ मारती हूँ hmm. तो वो सीन uh, हम शुरू करने वाले थे और मैंने एज यूजुअल हर बार की तरह मैंने जाकर सुरेश को कुछ पचास सवाल पूछे hmm. उसके पहले and I said, उसकी बैग क्यों नहीं है और यू नो दुपट्टा का है दुपट्टे के बिना जाएगी नहीं वहाँ से यहाँ तक आई है कैसे आई है पैसे तो दिए होंगे पर्स का है hmm. और ऐसे थोड़ी ना बॉक्सिंग करके मारेगी पर्स से मारेगी बड़े और एक टेक होने के बाद विच वॉज ग्रेट वो अलग अलग एंगल से कवर कर रहे थे लेकिन वो दुपट्टा और बैग का कंटिन्यूटी मेंटेन करते करते मतलब नाक में दम आ गया बिकॉज

सो so, आपका कोई एक ऐसी चीज़ है विद्या मैम के बारे में जो आपने सोची थी कि यार ये सब चीज़ें मुझे उनके साथ सोच के जानी है यू नो लाइक प्रिपरेशन्स बिफोर द सीन आपने कुछ ऐसे सीन्स प्रिपेयर किए थे हमारे बहुत कम सीन्स हैं अनफॉर्चुनेटली लेकिन आप हर सीन के लिए प्रिपेयर करते आई मीन इट्स नेचुरल Uh, सिर्फ आपके सामने एक बेहतरीन एक्ट्रेस है इसीलिए प्रिपेयर करके नहीं जा सकते दैट्स नॉट हाउ आई वर्क आई दैट्स नॉट एनी बडी प्रिपेयर फॉर द रोल यू प्रिपेयर फॉर द पार्ट और एंड जैसे मैंने पहले ही कहा आई एम वेरी नर्वस वन आई गो ऑन सेट एंड बट आई न्यू वन थिंग दैट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने इतना बेहतरीन कलाकार हो hmm. तो वो मुझे बेहतर बनाता है इट मेक्स मी रिचअर इट मेक्स मी बेटर सो इट इज जस्ट बिन अ ट्रीट

एंड uh, हम लोग वहाँ विद्या और शिफाली की तरह नहीं माया। we वहाँ वक्त ही नहीं मिला right. और वो माइंडसेट भी नहीं था कि यू नो वी प्रमोशंस करते हुए जब भी कोई ऐसे heavy scenes होते हैं जो इमोशनली काफी ड्रेनिंग होते हैं सो so जब कट होता है तो दैट एज एन एक्टर कट होने के बाद तो इट डेफिनेटली स्टेज आई मीन तुरंत आई कंट स्विच ऑफ बट इट्स नॉट लाइक आई कैरी इट बैक होम यू नो और एक सीन कर लिया देन आई टेक टाइम टू कूल डाउन टू गैदर माइ सेल्फ बट उसके बाद इट्स नॉट लाइक मैं वही खराब मूड में हूँ या अगर किसी सीन में चिल्ला रही हूं तो मैं सबके ऊपर चिल्लाए जा रही हूँ आई डोंट डू दैट बट ऑफकोर्स कट के बाद तो इट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ इट

तो अब ऐसे कैरेक्टर चूज करते हैं किए हैं you know, you know, है. so, yes, है, वो बहुत स्ट्रोंग रहे हैं बट दैट इज नॉट नेसेसरली द क्राइटीरिया मतलब एक किसी कैरेक्टर की वालेबिलिटी और हेल्पलेसनेस और नाइविटी भी मुझे उतनी ही एक्साइट uh, करेगी जितनी की स्ट्रेंथ करती है बट जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो आई डोंट एनालाइज इट एनालिसिस बाद में होता है मैं जब कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होता है एंड आई फॉलो माय इंस्टिंक्ट एंड माय इंपल्स एंड इट इज वर्क फॉर मी राइट यू नो इमीडिएटली मैं बता नहीं सकती क्यों बट आई जस्ट नो आई हैव टू डू दिस तो डेट्स हाउ इट इज तो इसमें क्या एक चीज थी जिसको सुनके आपने बोला कि नहीं ये फिल्म तो मुझे करनी है एक तो एक नहीं बहुत सारी चीजें yeah. थीं एक तो स्क्रिप्ट एंड स्टोरीलाइन आई थॉट इट वाज सच अ डीप न्यूनांस इंट्रिकेट डेंस स्टोरीलाइन सो यू नो शैफाल में कमेंट्स पढ़ रहा था ट्रेलर प एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि शेफाली एंड विद्या इन वन फ्रेम लाइक टू पावरफुल एक्ट्रेसेस इन वन फ्रेम जो लोग काफी वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से सो हैव यू यू फाउंड कॉमन बिटवीन एंड विद्या कुछ कॉमन चीजें अपने देखे वर्किंग वाइल वर्किंग से ज्यादा आई मीन शीज एज पैशनेट एंड एज डी इन्वॉल्व In a, a moment, a scene, a character as I am. Mm. But uh, I've gotten, I have gotten to know her better because of our uh, promotions together. Mm. And a lot of things I feel are very similar. You know, when she says something or I've said something, it's like we both have a similar thought process mm. on a lot of things. Mm. Uh, also, she's very honest. Mm. She's very, very honest and genuine. Mm. And I like to believe that I'm very honest and mm. genuine. So that is a very strong common factor between both of us, and both of us love with, uh, Suresh Tripathi. Yeah, yeah. So you know, trailer में आपका एक dialogue है. You know, it is very simple yet powerful. Thok dene ka that dialogue. And comments में people are saying the same thing कि that dialogue has like hit hit. तो so, improvise था कि you know, क्योंकि वैसा लग रहा है बहुत दिल से आया in the when you are in the character. So वो line बिल्कुल थी script में. लेकिन uh, line uh, थी तो क्या मार देने का उसको Okay. और सुरेश और मैं डिस्कस कर रहे थे पढ़ रहे आई वाज रीडिंग इट और मेरे मुंह से निकल गया तो क्या ठोक देने का उसको एंड ही सेड दिस इज व्हाट वुड से राइट सो दैट इज वेयर इट केम फ्रॉम बट दैट लाइन इज ऑलवेज देयर एंड इट्स ट्रेलर में इट लुक्स लाइक अ पंच लाइन बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ इंपॉर्टेंट सीन यू नो और uh, also, जिस तरह से ट्रेलर काटा गया है देव डन फैंटास्टिक जॉब सो दैट्स व्हाई दैट लाइन काइंड ऑफ रियली हिट्स होम एंड यू नो बहुत लोग बोल भी रहे कि ऐसा ट्रेलर फर्स्ट टाइम देखा जहां पे स्टोरी रिवील नहीं हो रही है या द ट्रेलर इज कट इन दैट वे एब्सोल्युटली या इट्स अ ब्रिलियंट ट्रेलर या सो एक कमेंट आई आपको पढ़ के दिखाऊंगा इट्स ऑन द ट्रेलर सो दे आर सेइंग कि uh, शेफाली एंड विद्या इन द सेम मूवी इट्स लाइक सचिन एंड सहवाग ओपनिंग इट आपका क्या रिएक्शन माई गॉड द वेरी वेरी टॉल ऑर्डर दैट इज अ वेरी टॉल कंपेरिजन थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सब्सक्राइब टू फिल्मी मिर्ची फो मोर बॉलीवुड अपडेट